साहिबगंज में सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से शहर के पश्चिमी फाटक के पास शिव मंदिर के समीप कौशल विकास केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन डीपीसीओ सह केंद्र प्रशासक ने दीप प्रज्वलित कर किया है। साहिबगंज में सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से शहर के पश्चिमी फाटक के पास शिव मंदिर के समीप कौशल विकास केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन डीपीसीओ सह केंद्र प्रशासक पूनम कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीपीसीओ पूनम कुमारी ने बताया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है तो वह महिला सखी वन स्टॉप सेंटर में आ सकती हैं। यह सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कार्यरत है। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाना है। इसी के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के सदस्यों के द्वारा आज कौशल विकास केंद्र में इस दिवस को मनाया गया। इसमें महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी दी गई, उनके कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें बताया गया। कोई भी महिलाएं घर में या घर से बाहर या अपने कार्यस्थल में किसी भी तरह के घरेलू हिंसा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी तरह की प्रताड़ना से पीड़ित हैं तो वो हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ 5 दिन का अस्थायी शेल्टर दिया जाता है। चिकित्सा सुविधा, परामर्श सुविधा, कानूनी सलाह, हर चीज़ उन्हें वहाँ प्राप्त होता है। जब भी महिला किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित होती है तो उन्हें जल्द से जल्द सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आवश्यकता है कि एक ही स्थान पर उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसलिए सखी वन स्टॉप सेंटर 24/7 उनके लिए काम करता है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आइए, हम लोग हर दिन वहाँ पर रहते हैं और आपकी सारी परेशानियों को हम सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। काउंसलर सुमेधा कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को उनके हक व कानून के बारे में बताया गया तो वही महिलाओं को किसी भी तरह की कानूनी मदद, घरेलू हिंसा से पीड़ित या किसी भी तरह के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर में आकर अपनी समस्या बता सकती है। यहाँ महिलाओं को निःशुल्क सहायता दी जाती है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।